सरियल यादव जी को जानते हैं अंकल जी? हाँ। अच्छा, अगर उनको टिकट मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए तो क्या आप सपोर्ट करेंगे उनको? किस पार्टी से वो लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा? बीजेपी से रहेगा तो अच्छा रहेगा। सरियल यादव जी लड़ेंगे कि किस पार्टी से वो लड़ेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा? खेसारी लाल यादव जी खड़ा हो रहे हैं किसी जिला से तो जीतेंगे कि नहीं? अरे राम राज का मतलब एथी में मोदी हवा है, अब क्या मतलब बड़बड़ में करते हैं वो खेसारी लाल पवन सिंह का। अच्छा हाँ, यहाँ मोदी लहर चल रहा है, लालू फालू सब घुलट जाएगा। सब है खेसारी लाल यादव जी का ही दुकान है, जब भी आते हैं तो यहाँ आते हैं। अच्छा, नहीं पवन सिंह का डांस न मंगान लड़की को पसंद नहीं होता, मैं फौज में 10 साल उधरी था। अच्छा हाँ। तो वहाँ के लड़की लोग पसंद मतलब नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। पवन सिंह को इसीलिए खेसारी लाल यादव जी ये गाना सुनते हैं आप? अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? रसूलपुर चट्टी। अच्छा, जो है कि अगर खेसारी लाल यादव जी का वहाँ टिकट मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए तो क्या आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? गाना भी नहीं सुनते उनका, गाना जब प्रोग्राम आता है टीवी पर तो चैनल चेंज कर देते हैं। अरे देखिए यहाँ पे सभी लोग उनका दीवाना है और आप कह रहे हैं कि हम मुझे अच्छा ही नहीं लगते हैं, बताइए। अपना अपना पसंद। बीजेपी की ओर से उनको टिकट मिल रहा है तो क्या आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? अगर खेसारी लाल यादव जी को टिकट मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? कम बेस्ट तो नहीं होगा आपका? किस पार्टी से मतलब लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा? यहाँ पे एक अंकल जी है, चलिए इनसे जाने का प्रयास करते हैं। हमारा घर दूसरे जगह। कहाँ पे घर है? यहाँ छपरा जिला में घर नहीं है, सिवान। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी को अगर टिकट मिल रहा है यहाँ से तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उनको? नमस्ते प्रणाम दोस्तों, हम आपका भाई आपका दोस्त गोलू सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और दोस्तों हम भी मस्त है। दोस्तों अभी हम भोजपुरी जगत के ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गांव जो है उसी गांव के बगल में जो रसूलपुर चट्टी चौक है उसी चौक में मौजूद है हम दोस्तों। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो है कि खेसारी लाल यादव जी को अगर टिकट मिल रहा है संसद चुनाव लड़ने के लिए तो यहाँ के लोग उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, यही जानकारी लेने हम ये रसूलपुर चट्टी चौक पे पहुँच चुके हैं। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए, ये एक भाई साहब है जो है कि इनका ये दुकान भी है, ये समोसा वमोसा बेचते हैं, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। खेसारी लाल यादव जी का आप गाना सुनते हैं? जी सुनते हैं। अच्छा, उनसे मिले हैं कि नहीं आप? मिले हैं, बहुत बार मिले हैं। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी को अगर टिकट मिल रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं उनको? करा जाएगा, कीजिएगा सब। हाँ हाँ, आपको विश्वास है कि वो काम करेंगे मतलब यहाँ पे? हाँ करेंगे। अच्छा, अभी के समय जो यहाँ पे संसद है वो काम करते हैं कि नहीं? करते ही हैं। करते हैं तो आप उनको छोड़ के क्यों खेसारी लाल यादव जी का सपोर्ट कीजिए? हेलो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, इनको मैं किसी समय तक बात सकते हैं। यहाँ पे भाई साहब आके बोल रहे हैं कि इस अति में मत इनको लाइए जो है कि दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पे एक अंकल जी है, चलिए इनसे जाने का प्रयास करते हैं। हमारा घर दूसरे जगह। कहाँ पे घर है? यहाँ छपरा जिला में घर नहीं है, सिवान। देख सकते हैं यहाँ पे एक अंकल जी है। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी को अगर टिकट मिल रहा है यहाँ से तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उनको? मेरा घर यहाँ नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है। नहीं। अच्छा चलिए, ये अंकल जी कह रहे हैं कि मेरा घर यहाँ पे नहीं है, पता नहीं उनको सपोर्ट यहाँ के लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए ये भाई साहब खुद मतलब उधर भाग रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक भाई साहब है जो है कि ये दुकान है मोबाइल का, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जो है कि खेसारी लाल यादव जी का आप गाना सुनते हैं भैया? सुनते हैं लोग। सुनते हैं। अगर खेसारी लाल यादव जी को टिकट मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? पूरा सपोर्ट है, इन उन्हीं का दाम है तो सपोर्ट रहेगा नहीं? अच्छा, वैसे भी सब लोग सपोर्ट करता है तभी ना आते हैं, तो आप सपोर्ट कीजिएगा? फुल सपोर्ट है, उन्हीं का दुकान है, खेसारी लाल यादव जी का ही दुकान है, जब भी आते हैं तो यहाँ आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, कितने दिन पहले आए हुए थे दुकान? अभी तो आए थे, बहुत टाइम हो गया, ज़्यादा दिन इधर आए हुए। अच्छा, तो उनको किस पार्टी से टिकट मिलेगा तो सबसे बेहतर रहेगा? किसी भी पार्टी से आए उन्हीं का दाम है तो सपोर्ट रहेगा फुल। अच्छा, मतलब किसी भी पार्टी से आए? कोई भी पार्टी है। कि ज़्यादा करके वो आरजेडी का अचार प्रचार करते हैं, जो है कि अगर बीजेपी की ओर से उनको टिकट मिल रहा है तो क्या आप सपोर्ट कीजिएगा? फुल सपोर्ट है। आपका नाम क्या हुआ? शैलेश सोनी। शैलेश सोनी। अच्छा चलिए, यहाँ भी एक छोटा भाई है, देखिए ये किस टाइप से ये भाग रहे हैं, देखिए इनसे हम। चलिए यहाँ पे कपड़ा का दुकान है, एक भैया है, चलिए इनसे हम प्रयास बात करने का प्रयास करते हैं। भैया आइएगा इधर। कुमार सोनी। भैया आपका नाम क्या हुआ है? मुकुल।
कैमरा इधर कीजिएगा। मुकुल नाम है जी। अच्छा, आप खेसारी लाल यादव जी गाना सुनते हैं आप? एकदम। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? रसूलपुर। रसूलपुर चट्टी। अच्छा, जो है कि अगर खेसारी लाल यादव जी का वहाँ टिकट मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उनको? काहे ना करिए, गाँव के बात बताइए, जरूर करिए सपोर्ट। क्या आपको आशा है कि वो काम करेंगे? काहे ना, कुछ जब कमी है ना, काम करबे करिए। अच्छा, तो ज़्यादा करके तो मुंबई कहाँ कहाँ रहते हैं और यहाँ अपना गांव समाज में अधिकतर समय नहीं देते हैं, तो क्या उनको जिताना सही रहेगा? जब आए महीने में तो एक दूहल आइए जलन गाँव में, तो ऐसा थोड़े भाई खाली बॉम्बे रह रहा। अच्छा, अच्छा, पहले से जो यहाँ पे संसद है आज है कि वो काम करते हैं कि नहीं? जे बात ठीक बा, जे आई वो ठीक ही आई, काम सबे करेला, कम बेस्त नहीं होला होगा। किस पार्टी से मतलब लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? निर्दलीय लड़ियन तब वो जीजे तब वो जीजे यहाँ। आज लेकिन देखते हैं ज़्यादा करके आरजेडी के साथ में जो है कि समय बिताते हैं वो, तो क्या इस पर क्या कहना चाहिएगा? मिली टिकट आरजेडी देखो था। अच्छा, अगर बीजेपी की ओर से उनको टिकट मिल रहा है तो क्या आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? एकदम कोनो पार्टी हो सपोर्ट पूरा रहेगा। हाँ, सपोर्ट पूरा रहेगा। हटा दे बाबू। अच्छा, उनका गाना कोई याद है आपको? ना भैया, सबसे उनका गाना बेहतर आपको कौन सा गाना मतलब लगा? ना हमारा ना गाया है, खाली सुने आएगा हमने के गाना। तो सबसे ज्यादा कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है उनका? सब गाना बढ़िया बा उनका, सब गाना बढ़िया बा। अच्छा, चलिए, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम फुल सपोर्ट है जो है कि, चलिए यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए, चलिए इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? केपी सिंह। केपी सिंह, जो है कि कहाँ से हैं आप? मेरे भजौना से। कहाँ मैंने? अच्छा, जो है कि खेसारी लाल यादव जी को जानते हैं? जानते हैं। अच्छा, उनको अगर टिकट मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या उनको आप सपोर्ट कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? ऐसे मतलब लोकतंत्र है, आजाद भारत है। अच्छा, हाँ, तो क्या वो मतलब अच्छे इंसान नहीं है क्या? अभी मत कहवाइए, मैं बोल दिया जाए नहीं तो नहीं। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो किनको आप सपोर्ट कीजिएगा यहाँ से? कौन प्रत्याशी मतलब बढ़िया है आपके नज़र में? नरेंद्र मोदी। हाँ। अच्छा, अगर उनको बीजेपी की ओर से टिकट मिल रहा है तो क्या तब सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं? नहीं, तब पर भी नहीं कीजिएगा? नहीं। अच्छा, क्या मतलब एलर्जी है उनसे? है? क्या है? कोई एलर्जी नहीं है। हाँ। तो हमारे बगल का है डाना डी का, हम भजौना का है, वो डाना डी का है। अच्छा, तो मतलब जो है कि उनका गाना आप सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं बहुत सुनते। अच्छा, गाना लगता है? गाना भी नहीं सुनते उनका, गाना जब प्रोग्राम आता है टीवी पर तो चैनल चेंज कर देते हैं। अरे देखिए, यहाँ पे सभी लोग उनका दीवाना है और आप कह रहे हैं कि हम मुझे अच्छा ही नहीं लगते हैं, बताइए। अपना अपना पसंद। अच्छा, तो पावर स्टार पवन सिंह को आप पसंद करते हैं कि नहीं? उनका गाना सुनते हैं कि नहीं? नहीं, उनका भी आसनसोल से कैंसिल हो गया मोदी का। अच्छा, मत कहो भाई, कैंसिल हो गया तो खुद तो मतलब टिकट वापस कर दिए हैं पावर स्टार पवन सिंह? नहीं, पवन सिंह का डांस ना मंगान लड़की को पसंद नहीं होता, मैं फौज में 10 साल उधरी था। अच्छा, हाँ। तो वहाँ के लड़की लोग पसंद मतलब नहीं करते हैं नहीं पावर करते एस्टर पवन सिंह को, इसीलिए पावर एस्टर पवन सिंह टिकट वापस कर दिए हैं। अब पता नहीं, वो राजनीति का उतना हमको मतलब। अगर बिहार से वो किसी जिला से मतलब ये खड़ा हो रहे हैं तो क्या वो जीतेंगे कि नहीं? जीतेंगे, जीत जाएंगे। अगर खेसारी लाल यादव जी खड़ा हो रहे हैं किसी जिला से तो जीतेंगे कि नहीं? अरे राम राज का मतलब ये थी मैं मोदी हवा है, अब क्या मतलब बड़बड़े में करते हैं वो खेसारी लाल पवन सिंह का? अच्छा, हाँ, यहाँ मोदी लहर चल रहा है, लालू फालू सब घुलट जाएगा, सब घुलट जाएगा। और क्या जाएगा? तो ये 3 तारीख को जो है कि पटना में बहुत सबसे विशाल रैली हुआ है। रैल, अरे वो तो बहुत आदमी रैली में ना जाता है भाषण सुनने के लिए। अच्छा, अभी आपका तेलंगाना में मोदी जी को नहीं देखा है? अच्छा, तो फुल सपोर्ट ना बीजेपी को आप मतलब? फुल। देख सकते हैं, और यहाँ भी 3-4 भाई फिर से मोबाइल के दुकान पे पहुँच चुके हैं। चलिए इन लोगों से जाने का प्रयास करते हैं, जो है कि भाई आपका नाम क्या हुआ? टाइमुद्दीन। अच्छा, आप कहाँ से हैं? रसूलपुर। रसूलपुर से? खेसारी लाल यादव जी को जानते हैं? हाँ हाँ, जरूर। उनका गाना सुनते हैं आप? बहुत सुनते हैं। आप कोई गाना उनका गुनगुना सकते हैं? हाँ जरूर, सुनाइए। गाना रहने दीजिए, गाना क्या है? पूरा दुनिया जानता है। अगर खेसारी लाल यादव जी को टिकट मिल रहा है यहाँ से लड़ने का, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कीजिएगा सपोर्ट एकदम। अच्छा, वो तो अधिकतर मतलब बाहर में समय बिताते हैं, यहाँ पे कम मतलब समय देते हैं, तो क्या उनको जिताना सही रहेगा? वो अपने हिसाब से देखा जाएगा। देखा जाएगा, अभी जो यहाँ पे है मतलब संसद, तो वो अच्छा काम नहीं करते हैं क्या? सब लोग अपने अपनी जगह पर अच्छा काम करते हैं।
तो अगर वो जीते हुए हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उन्हीं को तो मतलब खरा फिर जिताना अच्छा रहेगा। हाँ क्यों नहीं। हाँ तो अभी तो कहें खेसारी लाल यादव जी को हम जिताएंगे। अब आएंगे तब ना, उस टाइम सोचा जाएगा। आने वाले हैं, निश्चित है। अभी वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अच्छा जो है कि किस पार्टी से वो लड़ेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा? आप तो उनका उनका मतलब मर्जी है। उनका मर्जी। हाँ मतलब जिस पार्टी से आए आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ हाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक भाई साहब है, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं। ये देखिए ये भाई साहब शर्मा रहे हैं, लजा रहे हैं जो है कि कैमरा के सामने आने में। देखिए चलिए एक यहाँ पे भाई है, चलिए। अरे देख देखिए ये भाग रहे हैं। चलिए चलिए यहाँ पे एक ठेले वाले हैं जो है कि टमाटर के बिजनेस किए हुए हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो है कि अंकल जी आपका नाम क्या हुआ? क्या अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं जो है कि यहाँ पे एक अंकल जी है, खेसारी लाल यादव जी को जानते हैं अंकल जी? हाँ। अच्छा अगर उनको टिकट मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए तो क्या आप सपोर्ट करेंगे उनको? हाँ हाँ भाई, गांव का है तो कहे नहीं करेंगे। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? दिनेश चौरसिया। अच्छा चलिए ये अंकल जी जो है कि बंदा गोभी खरीद रहे हैं और यहाँ पे ये जो है कि गोभी उभी बेच रहे हैं, तो ये अपना मुंह को ढक लिए, आप देख सकते हैं जो है कि यहाँ अंकल जी लोग हैं। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। अंकल जी आपका नाम क्या हुआ? इंद्रदेव शर्मा। अच्छा जो है कि खेसारी लाल यादव जी को आप जानते हैं? जानते हैं। तो भैया थोड़ा इधर आइए, इधर सामने इस साइड आइए। अच्छा जो है कि खेसारी लाल यादव जी को टिकट मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उनको? कर सकते हैं अगर वो तो। ये पॉलिटिकली बात हो गया। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोग सपोर्ट करेंगे, लोकल क्षेत्र के तो जरूर सपोर्ट करेंगे उनको। अच्छा तो ज्यादा करके तो समय बिताते हैं बाहर भीतर में, तो क्या उनको जिताना मतलब सही रहेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा वो भरे बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ के लोगों का बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं, हर किसी जो भी होता है किसी का अगर नुकसान होता है ना उसका भरपाई करते हैं, काफी ख्याल रहते हैं इलाके का। अच्छा किस पार्टी से वो लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा? बीजेपी से अच्छा रहेगा। बीजेपी के उससे खेसारी लाल यादव जी लड़ेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। देख सकते हैं दोस्तों जो है कि यहाँ के भाई लोग कह रहे हैं, तो क्या ज्यादा करके तो खेसारी लाल यादव जी आरजेडी की ओर से मतलब नहीं, नहीं, दिखाई देते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं नहीं अभी नहीं, तो बीजेपी में गए हुए थे, 3 तारीख को ये था रैली, तो उसमें भी पहुंचे हुए थे खेसारी लाल यादव जी। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि बीजेपी की ओर से आए तो बेहतर आते हैं, उनका खुद अपना मन से पीछे में। गोलू टुडे ब्लॉग्स नाम है, गोलू टुडे ब्लॉग्स। तो दोस्तों आपका क्या राय है जो हैंडबॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी जय बिहार।